हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। तो न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, आप उसे सब्सक्राइब करें। इसके बाद वहां कमेंट करके बताएं, आपको फ्री नोट्स वहां पे मिलेंगे। इसके साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे आप डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट आ रही है अभी, और बड़ी अपडेट क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो 5926 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है और ये जो काम है इसको मंजूरी मिल चुकी है। बहुत बड़े लेवल पे ये वैकेंसीज हैं। और बताना चाहता हूं आपको, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें 5926 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। और इसमें क्या है कि अरसे से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो स्थिति सुधारने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, तो इसमें क्या है, 5926 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने वाले हैं, कुछ कर भी दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि आपको पता है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी थी। और हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती नहीं है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज इसलिए इसमें निकली भी नहीं है। हालांकि 5926 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी यही है कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आने वाली हैं। और इसके बाद और भी जो आगे अपडेट होगी, और भी जो अपडेट आने वाली है, जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट टीचिंग मतलब टीचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, एजुकेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अब यही है, इसके बाद और भी जगह सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। केवीएस से जुड़ी हुई भी कुछ अपडेट आने वाली हैं जल्दी, क्योंकि केवीएस में भी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको बताना चाहता हूँ। डीएसएसबी में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन करेंगे इसके बाद केवीएस में, हालांकि पहले भी काफ़ी पद खाली हैं, तो इसके बाद वहां पे भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।